अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंडोज़ 10 की कुछ फीचर्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि विंडो 10 जो है वो बैटरी लाइफ किस तरह हमें ज़्यादा प्रोवाइड करती है, जबकि विंडो 7 और विंडो 8 जो है वो उसी लैपटॉप पे हमें कम अज़ कम, अगर कोई लैपटॉप हमारे पास 2 आवर विंडो 7 पर चल रहा है तो वो अबाउट 3 आवर्स विंडोज़ 10 पे चल जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल बाय करते हैं तो उसका मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो उसकी जो सीपीयू का बेंच मार्क होता है वो जबकि जो हमें रिव्यू हमने नेट से देखा होता है तो उससे काफ़ी कम होता है। जबकि हम सैमसंग की डिवाइसेस जब लेते हैं तो उनका तकरीबन सेम होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब हुवावे या ओप्पो या वीवो के लेते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो रिव्यू होता है, उससे बहुत कम होती है। तो इसके पीछे जो रीज़न ये है कि वो ये होती है कि जो हुवावे है या ओप्पो है या वीवो है वो सीपीयू को लॉक कर देते हैं कि एक लिमिटेड स्पीड से ऊपर ये काम ना करें। तो जब वो एक लिमिटेड स्पीड से ऊपर काम नहीं करता तो जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम चल जाती है। तो बाज़ औक़ात आप एप्पल के मोबाइल देखते होंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी जो है परफॉर्मेंस वो गिराते रहते हैं। वो इसलिए गिरा, सॉफ्टवेयर की जब नई अपडेट आती है तो उसकी में उसकी ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर दिया जाता है। वो इसलिए कि जब बैटरी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो हेल्थ होती है वो कम होती जाती है। तो बैटरी टाइमिंग को मेंटेन रखने के लिए एप्पल जो है वो अपडेट दे भेजता है, जिससे सीपीयू लॉक हो जाता है, सीपीयू ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं कर पाता और जो हमारा मोबाइल है वो उसी नॉर्मल रूटीन पर रहता है। तो इसी तरह ओप्पो और वीवो होते हैं तो इसकी अपडेट उस तरह नहीं आती जिस तरह एप्पल की आती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ 10 के बारे में। तो बेसिकली विंडोज़ 10 जो अब आप चार्जर लगाकर लैपटॉप पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो फुल 100% सीपीयू यूज़ करते हैं, जबकि आप बैटरी बैकअप पर चला रहे हो तो 75% 76% से ऊपर यूजेज नहीं जाती। जब 70% से ऊपर प्रोसेसर की यूजेज नहीं जाती तो जो हीट लेवल होता है वो मेंटेन रहता है, जिससे पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है। पावर कंजम्पशन कम होने की वजह से आपकी जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा चल जाता है, तो इससे आपका प्रोसेसर जो है वो लॉक हो जाता है और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लिमिटेड हो जाती है, जिससे आपका लैपटॉप जो है वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब आपको हैवी टास्क करना है या जब रनिंग करनी है तो मेरा मशवरा है कि उस वक्त आप चार्जर प्लग कर लें विंडोज़ 10 पे, तो उस वक्त आप यूज़ करें। तो इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी गाइड करूँगा इस तरह के टिप्स के बारे में। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।